यदि आप वोटर आईडी कार्ड अपना ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आप इसे ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है पिंटू कुमार सोनी और आप सभी देख रहे हैं टेकोली स्मार्ट यूट्यूब चैनल। इस प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। चलिए आज की इस वीडियो करते हैं शुरुआत। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये जो है इंडिया जॉब रिजल्ट .in का आर्टिकल है, इसमें आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सिंपली पेज को नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्टेंट लिंक्स का, ये जो है सबसे नीचे वेबसाइट के अंदर दिया रहता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड ऑनलाइन का ऑप्शन और इसके सामने जो क्लिक हेयर का लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे और यह जो है यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। आने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा है ई ईपिक ई मतदान पहचान पत्र, आपका जो यहाँ पर पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होकर के जो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोसेस भी आपको बताए गए हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर स्टेप्स आप देख रहे हैं लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डाउनलोड ईपिक कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होकर के इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो है आपको यहाँ पर NBSP.in पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले लॉगिन एंड रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड तथा इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन करेंगे। यदि आपने इसमें आईडी अभी तक नहीं बनाया हुआ है तो आपको इसमें आईडी बनाना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने आईडी बनाने के लिए डोंट हैव एंड रजिस्टर एज अ न्यू यूजर पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर डाल करके गेट ओटीपी सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा उस ओटीपी को एक बॉक्स में डालना होगा। उसके बाद में यहाँ बोल रहा है आई हैव एपिक नंबर, यदि आपका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर मालूम है तो आप इस पर सेलेक्टेड रहेंगे। यदि आपके पास में एपिक नंबर नहीं है तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपना यहाँ पर जो है यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को सेट करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका आईडी बन जाएगा। जैसे आप अपना आईडी बना लेंगे यूजर नेम पासवर्ड तथा इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करेंगे। अब जब आप यहाँ पर इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे तो आपका यहाँ पर डैशबोर्ड आपका दिख जाएगा। इस डैशबोर्ड पर आने के बाद में आप यहाँ पर इस सेक्शन में जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करके आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर ई ईपिक डाउनलोड का जो ऑप्शन है न्यू है और इस पर भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का सेम प्रक्रिया, चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से इंटरफेस अगला आ जाएगा। यहाँ पर आपसे एपिक नंबर पूछता है, अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में आप जिस भी स्टेट से हैं अपना स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास में एपिक नंबर नहीं है और आपने करेंटली अभी जो है वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था और आपका बन चुका है या नहीं बना है तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको मिला होगा, तो उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर डाल करके सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में आपको सर्च वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका एक बार पेज रिफ्रेश होगा। देन उसके बाद में आपका इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऊपर एपिक नंबर आपका यहाँ पर दिखाएगा जो भी आप डाल करके आएंगे। उसके बाद में आपका नाम, आपके रिलेटिव का नाम यानी फादर्स नेम, स्टेट और आपका असेंबली तथा आपको मोबाइल का कुछ डिजिट यहाँ पर दिखाई देंगे और आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा उसका कुछ डिजिट यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको सिंपली पेज नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आने के बाद में ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। आपके मोबाइल का कुछ डिजिट यहाँ पर दिखेंगे जो आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ में लिंक होगा, तो आपको सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो आपके नंबर पर यहाँ पर ओटीपी सेंड किया गया उस ओटीपी को डाल करके सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई किया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। ये जो कैप्चा आपको मिला है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन उसके बाद में डाउनलोड ई एपिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर एपिक फॉर द एपिक नंबर इतना हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड एंड आपका डाउनलोड होकर के यह फाइल आ चुका है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पीडीएफ फाइल को आपको सिंपली ओपन करना है। जैसे मैं आपको ओपन करके यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर जो है भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से आपका जो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है आपका यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ चुका है, जो कि आपको इस प्रकार से इसका यूजर इंटरफेस आपको दिखता है। जो है आप वोटर आईडी कार्ड अपना
डाउनलोड कर सकते हैं। यह काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से तथा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। एड चैनल पर नए और इस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।